हेलो एंड वेलकम बैक टू इंडियन डिफेंस नॉलेज। यूक्रेन में हो रहा है कॉन्स्टेंट पावर स्ट्रगल, टेंशन वहां पर है ऑल टाइम हाई। आज पूरे विश्व की नज़र उसी पर टिकी हुई है और ऑफ कोर्स यूक्रेन की हालत बहुत ही नाजुक है अभी के लिए। अमेरिका ने अपनी एम्बेसी जो कीव में थी वहां से हटाकर अब कर दी है लवीव में, क्योंकि एक रशियन इन्वेजन अगर हो तो वो यूएस के सिटीजन को तुरंत वहां से इवैक्यूएट कर सकें। भारत ने भी अपने नागरिकों को वार्निंग जारी कर दी है, खास करके स्टूडेंट्स को यह कह दिया है कि वो जल्द से जल्द लौट के आ जाए भारत और कोई भी ट्रैवल ना करे यूक्रेन को। फिर इन सब के कुछ ही घंटों बाद रूसी सरकार ने यह कह दिया कि उनके कुछ टैंक और कुछ सैनिकों को वो वापस रशिया भेज रहे हैं और वो बॉर्डर पर जमा फोर्सेस को जरा सा कम कर रहे हैं। हालांकि जो संख्या है जिससे रशिया वापस बुलाया गया है वो बहुत ही ज्यादा छोटी है और अभी भी कम से कम कुछ लाख सैनिक और कुछ हजार टैंक वहां पर तैनात है और वो भी एक जंग के फॉर्मेशन में। जैसे ही हम सबको लग रहा था कि आखिरकार अच्छी खबर आ गई, तभी एक बहुत ही बुरी घटना घटी है। रूसी सांसद जो है, जिसे डूमा कहा जाता है, वहां एक प्रस्ताव बहुमत में पारित हुआ है। इस प्रस्ताव के तहत ये कहा गया है यूक्रेन के जो दो स्टेट्स हैं जहां पर रूसी विद्रोहियों का कब्जा है और जो इन इलाकों में यूक्रेन की आर्मी के खिलाफ लड़ रहे हैं, इन दोनों रीजन को एक अलग देश घोषित कर दिया जाए, तो इसी प्रस्ताव को पास करके पुतिन के ऑफिस में भेज दिया गया है। जिसके बाद जो थोड़ी मोड़ी उम्मीद थी कि जंग टल रही है या उसे टाला जा सकता है, अब वो मानो मर सी गई है। आज की रात यूक्रेन के लिए बहुत ही ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि आज रात से वही 16 फरवरी चालू होता है जिसके बारे में अमेरिका ने सारे यूरोपियन देशों को वार्निंग दी हुई है। अगर आज की रात या अगले एक हफ्ते में यूक्रेन सरवाइव कर गया या फिर उस पर रशिया का कोई भी हमला नहीं होता है, तो यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी जीत भी हो सकती है यहाँ पर। हालांकि सैटेलाइट इमेजेस से अभी भी टेंशन बना हुआ है, क्योंकि रूसी सेना अभी भी बॉर्डर पर एकदम वॉर के फॉर्मेशन पर तैनात है और रूसी सेना ऐसा फॉर्मेशन तब ही धारण करती है जब वो किसी देश पर आक्रमण करे, जैसे कि हमने पहले इतिहास में देखा था जब रूसी सेना ने क्राइमिया पर हमला किया था। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।